होइन आफ्नो घर बहिनी दसैँ चाडबाडमा, तर के गर्नु समय र परिस्थिति भनेको यस्तै हो। 82 इयर्स अभी भी बाबा स्ट्रङ है। दिदी ना मुझे बचपन में यही नहाता था, यही खाना खिलाता था। वेलकम टू कालचिनी। वैसे अपना गाड़ी का टायर हो गया पंचर उधर, अभी ये इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे ये फलाइचो में बहुत सारी यादें देर। थोड़ा घर में इमोशनली हो गया था क्योंकि हम लोग का ठुला आमा है ना, हम लोग के बीच में अभी नहीं है, उनका 1 ईयर होने वाला है। 2-3 बार गाड़ी रुक दिया। क्या खाया था सुबह? अरे भाई भाई, उसको नेक्स्ट टाइम से मत लेके आना, ठीक है? उसके चलते चौमिन भी छूट गया। बड़ा में जो याद है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक बार स्वागत है आपका भाई का चैनल में। आशा करता हूँ आप सब एकदम मस्त हो एंड हैप्पी दसई, हैप्पी टीका। आज टीका का सेकंड डे है और आज हम जा रहे हैं, मम्मी नितिशा और पापा जी इधर बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं मामा के घर, मामा के घर टीका लगाने के लिए। जो कि मैं जा रहा हूँ आफ्टर 2 ईयर्स मामा के घर में और टीका डाल रहा हूँ आफ्टर 4-5 ईयर्स। बहुत एक्साइटेड टू मामा के घर, मामा को घर में जाने के लिए है ना। और आज हम जाएंगे भटपाड़ा और जाएंगे उसके बाद बलसिंह, तो दो मामा के घर पे जाएंगे। मम्मी कितने ज़्यादा खुश हो? खुश, इतना खुश क्या कहूँ, माँ के घर पे जा रही हूँ। माँ के घर पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है मम्मी। हम लोगों ने गाड़ी कर लिया था क्योंकि बाइक पे तो नहीं होगा ना, चार लोग हैं और कार नहीं हम लोग के पास, तो कार रिजर्व कर लिए आज के दिन के लिए। सफर का मजे लेते हैं, बीच में रुकते हैं, आपसे बात करते हैं ना। रश्मिका मंडाना इज हेयर। ओहो, साउथ से इधर भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, देखो। और शाहरुख खान जी भी है और हम लोग आ चुके भीलपाड़ा पे। ये रहा भीलपाड़ा, काफी बदला बदला सा लग रहा है भीलपाड़ा। ये रहा अपना बिरसा मुंडा। बीरपड़ा काफी बदला बदला लग रहा है, रोड भी काफी बड़ा हो गया है यार। मुझ नहीं यहाँ से अभी लेके अभी कर रहा शिशुबाड़ी। अच्छा, शिशुबाड़ी में फर्स्ट टूल पड़ता है। हम लोग जब घर से मामा घर जाते हैं, हम जब छोटे थे तो ये नहीं था, अभी तो बन गया है। डिजिटल जमाना, डिजिटल हो गया सब कुछ। कुछ शब्द मैं नेपाली में बोलना चाहूँगा, ठीक है? जति भी नहीं हाम्रो बाहिर बसेको दिदी भाई जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि मिस गर्दै होला हैन आफ्नो घर बहिनी दसैँ चाडबाडमा, तर के गर्नु समय र परिस्थिति भनेको यस्तै हो। कहिले हामीले मतलब भनेको जस्तो हुँदैन है, त्यही भएर म पनि 4 साल बाद मेरो निधारमा टिका लागेको, 4 साल बाद धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन। त्यही हो, तपाईँहरू पनि दुःख मन नमान्नु, उतैबाट आफ्नो दसैँ चाडबाड राम्ररी मनाउनु होला। सबैलाई ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी दसैँ भनिदिनु मम्मी। वेलकम टू कालचिनी। वोमिट करते करते पहुंच गया ये लड़की, खत्म है तुम्हारा। खाते साथ भी टट्टी आता है और किधर जाने से भी वोमिट आता है। गया कालचिनी, कितना जल्दी पहुंचा, 1 घंटा में लागे ना इधर। हमारा भैया बहुत सुपर फास्ट ड्राइवर निकला सच में, बहुत सुपर फास्ट। और नितिशा जो है ना, नितिशा का हालत खराब है, इतना ज्यादा वोमिट करता है वो, इतना ज्यादा वोमिट। उसको नेक्स्ट टाइम से मत लेके आना, ठीक है? उसके चलते चौमिन भी छूट गया। 2-3 बार गाड़ी रोक दिया। क्या खाया था सुबह? अरे भाई 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 साहब, सूर का मासू खा के इसका हालत ही हुआ एक्चुअली। अभी चलते हैं मिस्टी लेते हैं वहाँ पे, मुझे बहुत चौमिन खाने का मन था, मेरा फेवरेट चौमिन उधर आ गया, लेकिन गाड़ी वाला सीधा लेके आया इसका वोमिट का चक्कर में। 10,000 का मिठाई ले लिया इधर, 10,000। तू क्या खाएगा? मिठाई भी ले लिया 2.5 लाख का। पापा जी ढूंढने चले आ गया, लेट हो गया ना वहाँ पे, वो UPI पेमेंट ही नहीं हो रहा था। अभी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, पहले आपको जाके सीधा वहीं पे मिलते हैं, ठीक है? ये वाला आपके लिए, आपके लिए। अच्छा ठीक है, ये मामा मेरे लिए केला लग दिया है। गाड़ी में डाले हाल के लेके जाएगा।
ये देखो हमारा बहना दूसरी बहना को ये तो आने बित्तीकी करे के राम 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 भगवान थट मेरा मामा का एक लड़का मेरा भाई मामा नमस्ते संजय संजय आंटी तो अभी हम लोग जा रहे हैं बियर लेने के लिए क्योंकि वो बियर है ना हम लोग के लिए नहीं एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को वो नियम के लिए चाहिए होता है थोड़ा घर में इमोशनली हो गया था क्योंकि हम लोग का ठुला आमा है ना हम लोग के बीच में अभी नहीं है उनका वन ईयर होने वाला है और मैं भी बहुत मिस करता हूँ ठुला आमा ने हम लोग को इतना प्यार दिया है ना लेकिन क्या करेंगे पर क्या करें हम लोग साथ नहीं है ना समय का खेल है ठुला आमा आप जहाँ पे भी हो खुश रहना सब नाती को बड़ा तबलाई धीरे धीरे माया है ना के गर्नु अब टिकु हाई बोलो न तुम्हारा कपाल कौन बाट दिया हिंदी तो अच्छे से बोलो बोला नहीं आता तो कैसे बोल रहे हिंदी नहीं मैं तो मिक्स करके बोल रहा हूँ ना अभी हम लोग बोलते क्या बोलते भाई डांडा डांडा बोलते और ये डांडा पे है ना हम लोग जितने भी लड़के लोग थे हमारे बैच के लड़के लोग पिछलदा मतलब जितने भी सबका नाम नहीं बोल सकता बहुत लंबा नाम है भाई अगर लड़के को इधर भेला करेगा ना 100 से भी ज्यादा बंदे ये जगह जो है ना बहुत ही रिमेम्बर है मतलब यहाँ पे हम लोग बैठते थे ये वाले पे है ना और वो वाला गज दिख रहा है वहाँ पे भी बैठते थे यार अभी तो यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है लेकिन पहले बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होता था यहाँ पे मकई होता था यहाँ पे तरुल वगैरह भी होता था सब कुछ था एक टाइम पे यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे तो मतलब बहुत यादें लड़के लोग के साथ है ना यहाँ पे ये फलाइचो में बहुत सारी यादें दीदी से मैं कितना कति साल भाई भन्दा तोरा मैं भेटे दुई साल तीन चार वर्ष भाई तीन वर्ष भाई दीदी ना मुझे बचपन में यही नहाता था यही खाना खिलाता था है ना मार मार के इसको भी मुझे सिर्फ नहीं इसको भी मुझे भी और भी बहुत भाई है सात भाई को ये पाल के बड़ा किया है आज नहीं रुक रहे क्योंकि तुम तो आते रहते हैं ना आज नहीं रुकेंगे क्योंकि घर पे कोई नहीं है और घर पे मम्मी का दूसरा बेटा है ना चुआचे करता है उसको चारों भी देना पड़ेगा इसीलिए एक दिन फ्री टाइम होके आएंगे उस टाइम पे आपको भटपड़ा दिखाएंगे ठीक है और भटपड़ा में जो यादें बहुत प्यारा है ये मम्मी का चक्कर से ये पिताजी का चक्कर से घर जाना पड़ रहा है नहीं तो मैं आऊंगा बैठो ना तो नहीं बैठेगा ना आज साथ में जाएगा बाबे तबे कति वर्ष पुगे भन्दिन न कति वर्ष पुगे तबे एट्टी टू इयर्स अभी भी बाबा स्ट्रॉन्ग है हाम्रो आन्टी कति साल बाद भेटे आन्टी तपाईलाई चार साल बाद और यता दुसरा आन्टी फिडिङ गराए बेबीको और खै अर्को आन्टी अर्को आन्टी सबै आन्टी साथमे बहिनीहरू त यत्रो यत्रो भइसक्यो आम्मा संज्ञा बहिनी यत्रो ऊ मयङ आम्मा छोटा में यहाँ पे खेलते थे खोई बोलू त्यो ला छैन त है यहाँ पे त नयाँ घर हो गया ये यहाँ पे पुरा है ना ऐसे वाला घर था पहले ऐसे वाला यहाँ पे था अभी तो नया घर हो गया अभी तो इमारत बनने जा रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा सा टेलीफोन खेलता था इतना छोटा था वो इतना बड़ा था अभी ये इतना बड़ा हो गया मेरा बहन मासू तो बना रहा है लेकिन मैं डलमोर पे जाके खाऊंगा सीधा ठीक है लबनु को बोला यस भंजा तुम्हारा नाम क्या है नितेश कितने क्लास में पढ़ते हो इधर देखो ना यहीं करो यहीं करो यहीं करो ला भाग्य तो दत ये हमारा बड़ी मैजू हाय मेरा प्यारा बानी से वीडियो बना रहे म तो कोपो छ होला और ये मेरा कान्छी बहन ये तो दीदी जैसा लगता है आजकल सच में अपना भाई छोरा मोटी महा मोटी है इसको मोटी नहीं बोलता है महा मोटी बोलता है बहनी दीदी जस्तै नहीं
लोग का भेना कैमरा में फोटो खींचने से आई घटेगा बोल रहे अंत जानु भएको भेन जाने हमारा भेना भी जा रहा है भाई भाई ल सबैला भाई भाई ल बाय 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 गाइस अपना गाड़ी का टायर हो गया पंचर उधर इसने पता कर लिया इसने बोला कि साउंड कुछ अलग आ रहा है बेना का शॉर्टकट वाला रास्ता ने टायर पंचर कर दिया हामीले एक्शन टाइम दिएको होला भगवानले बोल्नु यसरी भनेर हैन ठीकै छ अहिले चेन्ज हो रहा है ये वाला पासाखा जाता है ये रोड पासाखा जाता है और ये वाला सीन चेक करो कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला बोलसुंग बड़ा मैं सभी को फिर से स्वागत है आ गया हमारे दूसरे मामा के घर भाई लोग किधर बैठा है यस भाई डायलॉग को जो चप्पल लगा चुना आज मन नमस्ते डॉग चकट चकट है नहीं फिर नमस्ते नमस्ते कपल हेरा आम्मा मो हरामी झन्ने पीटीएस खाना पीना हो गया ये अब्बी का घर में मैं आऊंगा बाद में आएगा मामा शनिवार को दिन आउनु नि फेरि ल शनिवार को दिन आउनु बिरयानी बनाउनु पर्छ आले आयो रे हो ओके म 3 केजी को पोजी ल्याछु ओके मार्केट करके पकाएगा सबै जना बसके खाएगा खाएगा सक्यो हिजो कुछ बोल्न चाहते हो हम त सुगर को पीस लाएगा लो पीस लाएगा यसको खिचेउ मैले खिचेउ खिचे ल अन्त